नमस्कार, मैं राजेंद्र साळोखे। आज हम बेलग्रेड गैम्बिट में खेला हुआ एक मिनी गेम देखेंगे। इसके पहले ये जानते हैं कि बेलग्रेड गैम्बिट क्या है। तो बेलग्रेड गैम्बिट की मूव्स ऐसी होती है, e4, e5, Nf3, Nc6, Nc3, 4 knight defense, इसके बाद d4, e4, और ये नाइट को थ्रेट है। तो भी जो नॉर्मल मूव रहते हैं वो नाइट से पॉन कैप्चर किया जाता है, लेकिन बेलग्रेड गैम्बिट में नाइट d5 पे लिया जाता है, जिससे ये पॉन गैम्बिट के लिए दिया जाता है। पॉन को नाइट से थ्रेट है, पॉन को कोई सपोर्ट नहीं है। तो इस तरह से वो बेलग्रेड गैम्बिट की शुरू की मूव्स होती है। अब एक गेम देखते हैं। ये वर्ल्ड चैम्पियन में मेरे ख्याल से अंडर 15 में खेला गया एक गेम है। तो शुरू की मूव e4, e5, Nf3, Nf6, Nc3, Nf6, d4, e4, Nd5, बेलग्रेड गैम्बिट। इसके बाद इसने बिशप टू e7 खेला। ये अच्छी मूव नहीं समझी गई। नाइट क्रॉस d4 ये बार इसने खेला। अभी नाइट को ब्लैक नाइट c6 के ऊपर जो ब्लैक नाइट है उससे थ्रेट है, लेकिन क्वीन का सपोर्ट है उसको। फिर इसने ये जो ब्लू दिखाया है नाइट क्रॉस e5, जो गैम्बिट का पॉन है, वो इसने लिया। लेकिन एक्चुअली कंप्यूटर पे एनालाइज किया तो वो भी खराब मूव बताता है। अच्छी मूव होती थी ये, नाइट को कैप्चर करता। अगर नाइट अगर अपनी टेरिटरी में हो, आउटपोस्ट में हो, तो उसको कैप्चर करना ही अच्छा रहता है। तो इसने नाइट क्रॉस e4 खेला, नाइट f6 खेला। तो दोनों नाइट जो है वो बिशप के ऊपर अटैक कर रहे हैं। ये वाला जो नाइट है f5 के ऊपर, वो g7 पॉन के ऊपर अटैक कर रहा है। और भी एक वाइट के पास मूव है कि वाइट की क्वीन अगर g4 पे आती है तो वो भी ये पॉन को अटैक कर दे और नाइट को भी अटैक कर दे। ये एक थ्रेट वाइट से है। तो इसने खेला ये जो ब्लू दिखा है g6 खेला, वो भी खराब मूव थी। एक्चुअली उसने रूक हिलाना चाहिए था कैसल डिस्टर्ब करके और पॉन को सपोर्ट करना चाहिए था, लेकिन इसने g6 खेला, नाइट क्रॉस e7 किया। इसने नाइट क्रॉस e7 किया, क्वीन टू d4 बहुत अच्छी मूव हो गई कि क्वीन से ये रुक और ये नाइट फोर्क हो गया। अभी तो आधा रुक चला जाता है, नाइट चला जाता है। इसने फिर ब्लैक ने फिर सोचा ने और नाइट क्रॉस d5 खेला, वो बहुत खराब मूव थी। ये नाइट को मार दिया, कोई मतलब नहीं। मतलब ये क्वीन से अभी रुक चला जा रहा है। इसके मन में क्या था समझ में नहीं आता। तो क्वीन क्रॉस h8 किया इसने, चेक, किंग e7, क्वीन टू e5, चेक, किंग f8, बिशप h6, चेक, किंग g8 और क्वीन टू g7 एंड चेकमेट कर दिया। तो इस तरह से इसकी गलती कहाँ पे हुई, ये पोजीशन में था, ये रुक चला जा रहा था और इसने नाइट को मूव करके रुक जाने दिया। तो इससे अच्छा कि वो कैसल करता, रुक को अंदर यहाँ पे ले लेता था और नाइट को जाने देता। तो इस तरह से हमने के मिनी गेम देखा। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया देखते रहिए।
अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना।